Good morning, students. Once again, we will start with our topic light reflection and refraction. Yesterday, तो आपने थोड़ा सा light के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था about the properties of light. Means what is the ray of light, beam of light, converging ray, diverging ray. हो गया भी ठीक. But now, right now, we will start with actual properties of light. Okay. So without wasting our time, I'll start with the properties. Okay. Be ready with your notebook. जो जो मैं दे रहा हूं आपको उसका नोट बना दीजिए. ओके रेडी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. Rectilinear propagation. So what is mean by rectilinear propagation? Rectilinear. So light always travel in a straight line. It will never bend like that. Like water, river is going like, no. So the path of the light ray will be always straight. Always straight. Straight line. So light always travel in a straight line. And this property is called as rectilinear propagation. Okay, rectilinear. So always travel in a straight line. It's a very important property. Then you will find, अगर आपको light को मोड़ना है, if you want to bend the light, तो कैसे करेंगे? तो कुछ तो होना चाहिए ना? इसीलिए हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन. सो ड्यू टू द लाइट हैव द प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इट मींस दैट लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. सो बेटा एज द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें अगर लाइट को मोड़ना है यहां से वहां यहां से वहां, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लाइट का एक अलग सा प्रॉपर्टी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और एक प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अभी तो हम रिफ्रैक्शन आज नहीं पढ़ने वाले, तो टुडे वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके सो वी शैल स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेसिकली अपने को डेफिनेशन अगर करना है रिफ्लेक्शन का, तो आपको सबको मालूम है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. तो रिफ्लेक्शन के लिए पहले तो आपको क्या लगता है, आपको एक सरफेस का जरूरी है, उस सरफेस के ऊपर लाइट गिरना चाहिए. यू मस्ट हैव वन सरफेस ऑन विच लाइट विल बी इंसिडेंट. तो पहले सरफेस चाहिए, तो ठीक है मैंने एक सरफेस ले लिया, ये अपना डस्ट रिमूवर है, ये देखो सरफेस, देखो जरा कैसा है. दो ऑप्शन देता हूं, रफ है या स्मूथ है. ये रफ है ना, दिख रहा है थोड़ा इधर उधर ये रफ है रफ. दूसरा सरफेस दिखाता हूं आपको, ये बोर्ड का सरफेस ले लो, एकदम स्मूथ है ना. हाँ, तो ये डिफरेंस. तो सरफेस आपको कैसा चाहिए, रफ नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्मूथ. उसको ही बोलते हैं पॉलिश्ड. अगर किसी भी चीज को मैंने ज्यादा ज्यादा घिसके पॉलिश किया, उसको पॉलिश का मतलब यही बोलते हैं. पॉलिश पेपर मिलते हैं मालूम है सरफेस को प्लेन बनाने के लिए. तो वैसे एक एक, एक सरफेस को इफ आई विल टेक अ पॉलिश पेपर से और एनीथिंग एंड आई विल मेक अ फ्रिक्शन ओवर देयर एंड आई विल पॉलिश इट, दैट सरफेस विल बिकम स्मूथ. अगर सरफेस स्मूथ बनता है तो ये चाहिए अपने. तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? बाउंस
bouncing back of light in the same medium, in the same medium from a polished or smooth surface. Okay, the definition of reflection ka. तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्मूथ सरफेस कैसा मिलेगा आपको, स्मूथ सरफेस के लिए आप फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो, स्मूथ सरफेस अपना कौन कौन सा होता है, ग्लास, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस भी स्मूथ होता है, पॉलिश्ड वॉल्स, अपने वॉल्स जो होते हैं अगर वो पॉलिश्ड है वो भी होता है, प्लास्टिक, सो इन सब चीजें है जो ये जो सब चीजें इनसे क्या हो सकता है अपना लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है। सो लेट मी अगेन रिपीट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज reflection of light. Okay, you may note down the definition and then we will go further. मैं आपको इधर note down करने बोलता हूँ। Note down करने के बाद आगे चलो। Pause the video, note it down. Okay बेटा, हो गया। Now, we will go for further. अबे reflection कैसे होता है? Reflection can be categorized into two types. Reflection can be categorized into two types. So, पहले देखते हैं हम types of reflection. इसमें पहला type आता है regular reflection. दूसरा आता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और उसको ही बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, ये कैसी बात है, रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आप एक मिरर ले लो। मिरर तो आपको मालूम है, मिरर कैसे बनता है, मिरर बनता है एक ग्लास लेते हैं, ग्लास सरफेस लेते हैं और उसको बैक साइड से कोट करते हैं, एक स्पेशल मटेरियल होता है सिल्वरिंग बोलते हैं उसको, उसको पॉलिश मतलब ऊपर से पॉलिश नहीं करते हैं, ग्लास ऑलरेडी पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए पीछे से उसको एक कोटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वरिंग। तो ये ग्लास है, इसको मैंने क्या किया, सिल्वरिंग किया, क्या किया, सिल्वरिंग बोलते हैं उसको। तो सिल्वरिंग करने के बाद, कोटिंग करने के बाद वो बन गया मिरर। अभी समझो ये दो लाइट रे है, ये एक रे और ये दूसरा, सपोज ये ए बी है और ये सी डी है, कैसे हो गया, दोनों भी हो गया पैरेलल रेज। तो पहले हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सीखने वाले रेगुलर। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में when two parallel rays, ये लिखने रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरा यूज करता हूँ, when two parallel rays are incident they reflect again as parallel rays. अगर दो पैरेलल रेज है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्ट भी कैसे करेंगे, पैरेलल ही करेंगे। तो मैंने ये ऐसा किया तो ये भी उसको पैरेलल जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले फिर से बता देता हूँ, अगर दो दो या दो से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, एक नहीं है लेकिन दो तो होना चाहिए, पैरेलल समझने के लिए दो तो होना चाहिए ना। हाँ, सो व्हेन टू और मोर पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द मिरर they get reflected also as parallel.
सो बी ई एंड डी एफ, सो इनको बोल सकते हैं हम इंसिडेंट रेज, क्या बोल सकते हैं इंसिडेंट रेज, और उनको क्या बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेज. सो बोथ द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. बन गया? ओके. नाउ डिफ्यूज में क्या हो जाएगा, यही बात मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के बाद एंगल लेके समझाऊंगा. क्या करूंगा, यही बात आपको मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बताऊंगा इसके बाद तो फिर से एंगल लेके बताऊंगा. लेकिन अभी आपको टाइप मालूम होना चाहिए. तो ये क्या है, व्हेन टू पैरेलल रेज आर इंसिडेंट दे गो एज अ पैरेलल. वो कैसे जाते हैं बाद में बताएंगे, कैसे जाते हैं वो भी बताएंगे आपको बाद में बताएंगे. तो अभी आप ध्यान में रखना है, अगर पैरेलल रेज है, इफ द पैरेलल रेज आर कमिंग दे एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन दे गो पैरेलल ओनली, दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. और फिर डिफ्यूज में क्या हो जाएगा, तो डिफ्यूज में थोड़ा सा चीज उल्टा हो जाता है इसका, उल्टा मतलब थोड़ा सा चेंज होता है. इरेग्युलर बोलते हैं उसको, डिफ्यूज बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. बी में इरेग्युलर रिफ्लेक्शन. तो ये कैसे बनता है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक अनइवन सरफेस, अनइवन बट स्मूथ सरफेस. तो आप पूछोगे सर अनइवन बट स्मूथ कैसे करेंगे, देखो समझोगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कागज है, अभी ये सरफेस आपको कैसे दिख रहा है बेटा, देखो देखो जरा, प्लेन दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है ना. अभी इसको अनइवन बनाता हूं, बन गया अनइवन, हो गया दिख रहा है अनइवन बन गया, फिर भी स्मूथ है, हर एक पार्ट है वो भी अभी भी स्मूथ है. तो आपको एग्जाम्पल लेना है, वेफर्स खाते हो आप, वेफर्स, कुरकुरे, बालाजी, दूसरा कौन सा, यम्मी, लेज, उसका पैकेट मालूम है, वो पैकेट अगर आपने फोड़ा तो अंदर मिररिंग दिखता है आपको, मतलब मिरर जैसा आप दिख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं दिखता इमेज लेकिन दिखता है. तो रैपर को थोड़ा तोड़ मरोड़ के बनाया तो आपको सरफेस कैसा दिखेगा, दिखाता हूं. तो सरफेस दिखेगा आपका ऐसा, सपोज तो यहां पे वो स्मूथ रहेगा, मतलब यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा. तो इसमें क्या होता है, सपोज टू पैरेलल रेज आर कमिंग, इसको बोलता हूं ए बी, इसको बोलता हूं सी डी. तो यहां पे क्या है, दो सरफेसेस, जिस सरफेस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होने वाला है वो तो सेम नहीं है ना, और रेज तो पैरेलल है. तो ये जो आएगा ये एक कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, इसको बी ई बोलता हूं, लेकिन ये किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा. नाउ कैन यू से दैट बी ई एंड डी एफ आर पैरेलल, नो दे आर नॉट लुकिंग पैरेलल. यही तो बात है, ये तो फंडा है, मैंने जो लिया था पहले ए बी एंड सी डी दे वेर इंसिडेंट पैरेलल रेज, तो ये इंसिडेंट रेज जो है पैरेलल, ये है अपना रिफ्लेक्टेड रेज बट नॉट पैरेलल. तो इसका कुछ डेफिनेशन ऐसा नहीं बनता है, लेकिन हम बोल सकते हैं व्हेन द टू पैरेलल रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनइवन स्मूथ सरफेस. मैं इसका डेफिनेशन बना के देता हूं आपको, व्हेन टू पैरेलल रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मूथ अनइवन सरफेस, रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज इरेग्युलर और
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. क्यों? सिंस रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल. तो इसमें इस चीज में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे आपको पैरेलल होने का जरूरत नहीं रहता, कैसे भी जाते हैं. हाँ मे बी पैरेलल हो सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते, मोस्टली पैरेलल नहीं होते क्योंकि ये सरफेस ही अनइवन है, तो पैरेलल नहीं होते ये आपका फिक्स है. अगर पैरेलल होते तो इसको अनइवन बोल नहीं सकते हम, इसको फिर भी स्मूथ और इवन सरफेस बोलेंगे. तो वी विल गेट अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या आएगा आपका बेटा, टू पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस बट इट इज स्मूथ, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको स्मूथ सरफेस लगेगा. तो ये है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो देयर वर दीस वर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. आपको इसमें अगर कुछ दिक्कत है, अगर कुछ क्वेरी है, यू मे आस्क मी एट एनी टाइम. ओके, एनी क्वेरी यू मे आस्क फॉर डाउट, इसमें डाउट आने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिएगा. ओके, हम आगे निकलते हैं. नाउ गो फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के बाद ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, कंफर्म एकदम. ये कैसे होता है, क्या होता है, आप भी हमें बता सकते. हमने कुछ पूछा आपको तो आप हमें उसका प्रूफ दे देंगे, सर ये ऐसे ऐसे होता है, ये इधर ये होता है, ये एंगल ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसकी वजह से ये इरेग्युलर है और इसकी वजह से ये जो है वो रेगुलर है, लाइक दैट इट इज देयर. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ वॉट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन करो बेटा, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो. ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, अरे बाप रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज इन सेम प्लेन. कैसे बनाएंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑलवेज इन सेम प्लेन. इसका मतलब क्या होगा तो बता देता हूं, पहले लॉ बता के देता हूं बाद में इधर राइट साइड को उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं. और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एकदम दो सिंपल लॉ है, रिफ्लेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, ये दो लॉ अपने को पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, सटीक से पढ़ना है. और ये लॉ यूज करके अपन को वी हैव टू यूज दिस लॉज फॉर ऑब्टेनिंग फॉर प्लेन मिरर्स, एंगल्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स एंड सो ऑन. तो पहले हम एक मिरर बनाते हैं, एक प्लेन मिरर ले लो बेटा, ये हमने इसको मिरर बनाता हूं, अभी तक ये मिरर नहीं था, अभी एक मिरर बन गया. तो एक रे आ गया, इसको बोलता हूं मैं इंसिडेंट रे. ये मेरा क्या हुआ, इंसिडेंट रे. अभी जहां पे वो टच करता है सरफेस को, तो उस सरफेस को, ये सरफेस है तो उसको उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना. देखो बेटा क्या बता रहा हूं, इंसिडेंट रे जहां पे वो सरफेस को टच करता है वहां पे आपको क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है. मतलब जी पॉइंट को टच करता है तो उस सरफेस को आपको नॉर्मल बनाना है. ये सब हाइपोथेटिकल है तो इसको बोलता हूं मैं नॉर्मल. सो दिस विल बी
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो एंगल बनाया है इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई, आई को क्या बोलेंगे बेटा, आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका डेफिनेशन कैसे बन जाएगा, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप चाहिए तो आपको नोट डाउन करो, क्या करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, पॉज करके भी उसको सुन सकते हैं बाद में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, हो गया। इसके बाद आगे जाते हैं, ये रे आपका इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया। तो पहला क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने ही मीडियम में बैक गया, तो वो डेफिनेशन बनाता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो यहां से भी मिरर के ऊपर पड़ने के बाद फिर से वो अपनी मीडियम में चला गया, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन। तो ये बन गया अपना रिफ्लेक्टेड रे, क्या बन गया, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको बोला मैं आर, तो आर को कैसे बोलूंगा, मैं आर को बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन बनाते हैं, क्या बन जाएगा बेटा डेफिनेशन, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट मी रिपीट, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया बेटा, ओके। नहीं तो पॉज करो वीडियो को और बाद में देखो, पहले आपका नोट कंप्लीट करो, डायग्राम वगैरह भी कंप्लीट करो, ओके, शैल आई स्टार्ट, ओके। अभी ये जो पहले वाला दिया है वो क्या है, वो बताने के लिए फिर से मैं आपके पास आता हूं एक कागज लेके। तो बेटा देखो, ये कागज का टुकड़ा है बराबर। अभी आपके ज्योमेट्री में ये जो पूरा है, ये देखो, ये प्लेन बन जाएगा, ज्योमेट्री में आपने सीखा है प्लेन बन जाएगा। और जो भी ऊपर से आएगा वो कैसे भी आ सकता है, मतलब क्या, देखो बेटा ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। तो वो क्या बता रहे हैं, वॉट एवर इज द इंसिडेंट रे इज कमिंग लाइक दिस, तो इस डिरेक्शन में आ रहा है, तो उसका प्लेन क्या हुआ, ये प्लेन हुआ। तो ये प्लेन को रख के ही नॉर्मल भी वही बनाएंगे, और उसी प्लेन में जैसे ये आया ऐसा, इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं गया, ऐसे आया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी देख रहा हूं आपको कैसे बताऊं उसका, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सपोज ये देखो, अभी ये ऐसे आ गया, ठीक से देखो, ठीक से देखो, और ये ऐसे चला गया, तो आप मुझे बोलो क्या ये दोनों भी एक प्लेन में है, क्या दिख रहे हैं क्या, ना, ये ऐसा, इसका प्लेन तो ये है और इसका प्लेन ये है, तो कैसे हो सकते हैं। लेकिन इफ अभी देखो, अभी इसको ऐसे पकड़ा है, इसका भी प्लेन ये है, इसका भी प्लेन ये है, और मैंने अगर नॉर्मल को भी उसी प्लेन में पकड़ा तो तीनों का मिला के प्लेन सेम हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपके ध्यान में आया, तो यही बोलते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ऐसे नहीं हो सकता। ये हो गया, तो अभी देखो इनका प्लेन चेंज हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आएगा उसी प्लेन में नॉर्मल बनेगा, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकल होता है, नेचर का जादू है। अंडरस्टूड, शैल वी गो फॉर दैट, ओके। तो ये बन गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या सीखा, पहले इंसिडेंट रे
normal ray, normal and reflected ray, they always lie in the same plane. Second, angle of incidence is equal to angle of reflection. मतलब ये 60 degree में आ गया, तो ये भी 60 degree में चला जाएगा. So angle of incidence is always equal to angle of reflection. So that was all about the property which is called as reflection of light. And the device we are using, the medium we are using, this is the mirror. So light is coming from air, incident on the mirror, and it is getting reflected again on the mirror. So you may note down that. ओके बेटा, हो गया. तो अभी हम फिर से रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को एक प्रॉब्लम लेके आपको बताते चलेंगे. ओके, देखो, इसको हेडिंग बनाओ. हेडिंग बना सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पे पहले रहते हैं रेगुलर और यहां पे ले लेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज्ड. तो रेगुलर में पहले प्लेन सरफेस बनाते हैं, डिफ्यूज के लिए कैसे बनाएंगे, प्लेन लेकिन अनइवन. मतलब दोनों भी स्मूथ है, दोनों भी स्मूथ है, लेकिन बोथ आर स्मूथ बट दिस इज प्लेन इवन एंड दिस इज नॉट इवन. तो सपोज यहाँ पे एक मैंने पैरेलल रे बना लिया. पैरेलल का डेफिनेशन कैसे होता है, जो ये बनाएगा एंगल वही ये एंगल बनाएगा. थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आई थिंक आपको दिखने के लिए शायद दिक्कत आ सकता है. तो इसको बड़ा बनाने जाता हूँ मैं. यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाता हूँ. तो अगर इसने एंगल एक्स किया है तो ये भी एंगल कितना करेगा, एक्स ही करेगा. सपोज इसको पकड़ते ना, इसने 10 डिग्री बनाया तो ये भी नॉर्मल से 10 डिग्री बनाएगा. तो अभी रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा, 10 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये वाला भी कितना एंगल बनाएगा, 10 डिग्री ही बनाएगा. तो अभी ये मेरा इंसिडेंट रेज है, पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल. समझ गए बेटा. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक केस कंसिडर करो, एक रे यहाँ पे पड़ रहा है, दूसरा रे उसको पैरेलल है लेकिन वो यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, दूसरे यहाँ इस साइड पे पड़ रहा है. तो अभी यहाँ पे देखो नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल तो इसको परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये इधर भी ऐसे बनेगा. तो यहाँ पे सपोज इसने किया है 5 degree, कितना किया है 5 degree. अब यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा ना बेटा, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है. तो यहाँ पे सपोज इसने 15 degree किया है, 15 degree. अगर इसने 5 degree किया है तो 5 degree से ही चला जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा 5 degree बना के आ गया डैन में. और ये जो है ये अगेन 15 degree बनाएगा, तो यहाँ से जाएगा ये 15 degree बना के. तो आपका यहाँ पे देखो ए बी सी डी, यह है इंसिडेंट. तो ए बी और सी डी वेर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी, लेकिन बी ई एंड डी एफ आर नॉट, आर इधर पैरेलल तो है उधर पैरेलल नहीं मिलेगा. बी ई एंड डी एफ दे आर पैरेलल. सो दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. वेर एज यहां पे देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी तो पैरेलल है. ओके, ये पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी, बट बी ई एंड डी एफ, बट बी ई इज नॉट पैरेलल टू डी ई. तो इसको बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो इन दिस वे टुडे वी हैव
discussed about the first property of light, that is called as a reflection of light, and the types of reflection, also the laws of reflection of light. तो बेटा आपके पास जो मटेरियल है एनसीईआरटी है वो आपको पढ़ना है. अगर उसमें इस सब चीज के ऊपर आपको अगर प्रॉब्लम्स करना है तो वो जो आपको वर्कशीट दिया है मैं उसमें से रेगुलर डिफ्यूज के ऊपर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाए, सिल्वरिंग ऑफ द मिरर, मिरर का प्रॉपर्टीज, ये सब आप जो बोल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर जो जो आपको प्रॉब्लम मिल रहा है अगर आपने चालू किया तो भी चल सकता है. सो यू विल हैव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग विद दैट. एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अगेन वी विल लुक ओवर दैट. तो वो तो बनेगा ही. तो ये बन गया आपका रेगुलर टीचिंग का पार्ट. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं आपको अलग सी चीज बताऊंगा. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. सो अगेन वी विल गो फॉर नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.